हुकूमत सिंध ने कारोबारी औकात में तब्दीली कर दी। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए। सिंध हुकूमत ने कारोबार और शहरियों की नकलो हरकत के औकात में तब्दीली कर दी है। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में मुतय्यन करदा कारोबारी सरगर्मियों के लिए नए औकात कार के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन खुलने वाले तिजारती मराकज सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक रोज कबल महकमा दाखिला ने इन मार्केटों के लिए सुबह 8 से शाम 4 बजे तक के औकात कार का नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि अवामी नकलो हरकत पर शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल पाबंदी होगी। इससे कबल ये पाबंदी शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक थी। वाज़ेह रहे कि कराची समेत सिंध भर के तिजारती मराकज 49 दिन के लॉकडाउन के बाद खुल गए हैं। 500 से ज्यादा मार्केटें और 9 सरकारी महकमों के दफातर में भी काम शुरू हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कवायद पर अमल दरामद करवाने के लिए किसी को हरासान न किया जाए। इधर तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा।